नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज के इस नए वीडियो में। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से बड़ी अपडेट देने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिए, उसके पहले अगर आप चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली कोई भी अपडेट आप हमारे चैनल से मिस ना कर सकें। दोस्तों पहली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि क्वांटस एयरलाइन से निकल कर आ रही है। आपको बता दें इस साल क्वांटस एयरलाइन अपने 6000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने जा रही है, छटनी करने जा रही है। साथ ही बता दें इसी साल क्वांटस एयरलाइन के 100 से ज्यादा विमान जो है वो जमीन पर ही खड़े रहेंगे। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि निकल कर आ रही है भारत में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू करने को लेकर। आपको बता दें इंडिया ने अपने कार्य में काफी तेजी बढ़ा रखी है जब से यूएस ने वंदे भारत मिशन को रिस्ट्रिक्ट किया है। आपको बता दें लगातार इंडिया जो है वो मिलकर प्लान बना रहा है कि काफी सारी चीजों को कैसे मैनेज करना है, और इस बार इंटरनेशनल उड़ानों को चालू करने को लेकर, नॉर्मल तरीके से चालू करने को लेकर जो स्ट्रेटेजी है वो बनाई जा रही है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि भारत की जेट एयरवेज से निकल कर आ रही है। आपको बता दें जेट एयरवेज के लिए जो पोटेंशियल बायर मिले थे उन लोगों ने नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट तो कब का साइन कर दिया। अब यहाँ पर बिड जो है वो अगले महीने तक शामिल की जा सकती है, यानी जेट एयरवेज का रिवाइवल भी कहीं ना कहीं साथ में चल रहा है। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि निकल कर आ रहे हैं गल्फ एयरलाइन की तरफ से। आपको बता दें एक खबर के मुताबिक गल्फ से सभी जो एयरलाइंस है वो अपनी जो उड़ाने हैं वो जुलाई मंथ में कंप्लीट रूप से खोल सकती है, यानी पूरी जो उड़ाने हैं वो जुलाई मंथ से गल्फ कंट्रीज से पूरे तरीके से खोल दी जाएंगी। अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि IATA की रिपोर्ट से निकल कर आ रही है। आपको बता दें IATA ने क्वारंटीन को लेकर कहा है, क्वारंटीन का एक सक्सेसिव दिया है, यानी क्वारंटीन न रहकर और भी एक अलग तरीके का जो प्लान है वो बनाया है। अगर आप इस पर डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो एक कमेंट करके बताइए, हम इस पर पूरा जो कवर है वो करने की कोशिश करेंगे। अगली खबर निकल कर आ रही है सऊदी अरब से। आपको बता दें सऊदी अरब के जिद्दा एयरपोर्ट पर आपको टर्मिनल के अंदर ही फ्री में ट्रेन सेवा देने की जो प्लान है वो सऊदी अरब कर रहा है, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यात्रियों को इससे मदद मिल पाएगी। अगली खबर पाकिस्तान से निकल कर आ रही है। आपको बता दें दोस्तों पाकिस्तान का एविएशन सेक्टर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में, परेशानी में है। पाकिस्तान में तीसरी एयरलाइन है एतिहाद एयरवेज, उन लोगों ने अपनी सारी सेवाएं बंद कर दी हैं। ये सेवाएं 3 जुलाई से बंद कर दी जाएंगी। तो दोस्तों ये है अभी तक की कंप्लीट डिटेल, कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए। अगर आपका कोई भी सवाल सुझाव या सजेशन है तो आप हमें बेशक कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं इंडियन गुरु, मैं हूं आपका दोस्त नायक। मिलता हूं नेक्स्ट वाली जानकारी के साथ। टिल देन जय हिंद, वंदे मातरम।